कि माफी माफी मैंने कभी नहीं मांगी और माफी मैं किस लिए मांगू कि किसानों के हित में बात करने के लिए माफी मांगू। बीते दिन कीरतपुर साहब विखे कंगना रनौत बॉलीवुड अदाकारा नूं किसानां वल्लों घेर लिया गया। उन्हां दी गड्डी नूं घेरिया गया ते गड्डी अगे जाण तों रोक दित्ती गई। भावें ही उत्थे पंजाब पुलिस ते कंगना रनौत दी वाई सिक्योरिटी मौजूद सी पर अखीर कंगना रनौत मजबूर हो गई कि पंजाब जिंदाबाद दे नारे लाए, नाले ही किसान बीबियां नूं अपनी माँ भी आख्या। तो इस तो बाद एक गल लोगों के फैल गई कि कंगना रनौत ने माफ़ी मंगी ता ही उसकी गड्डी पंजाब के किसानों ने छड़ी। पर अज कंगना रनौत मथुरा पहुँचे सी जिथे उन्होंने मुड़ तो वीडियो नाल वार्तालाप करते ये गल कह दी है कि उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मंगी। माफ़ी मंगण भी किस गल दी, क्योंकि उन्होंने तो सदा किसानों की हमायत ही की है, खेती बिलों की हमायत करके किसानों की हमायत ही करते रहे हैं। यानी कि कंगना रनौत फिर उही राग गा रही है जो पहला अज तक गाँवी रही है। सो ये वीडियो जी है वो सामने आई है, उधर ही उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी उत्ते भी ये जेडे बयान मुड़ तो लिखत के साझा किया कि उसने किसी गल की किसी तो भी माफ़ी नहीं मंगी। कल आपको पंजाब में भी रोका गया, घेरा गया था, क्या था पूरा? आपने किसान से मांगी माफी, किसान को आज का आखिरी दिन है जब खत्म करने का आंदोलन। क्या माफी मैंने कभी नहीं मांगी और माफी मैं किस लिए मांगू कि किसानों के हित में बात करने के लिए माफी मांगू? माफी मांगने का कोई और मुझे दिखा दे कोई ऐसा कोई जहाँ पे इतनी मीडिया थी जितने आप लोग हैं, कोई दिखा दे मुझे ऐसा वीडियो जहाँ मैंने माफी मांगी हो। वहाँ की जो महिलाएं हैं, हम लोग पंजाब और हिमाचल में जिस तरह के संबंध है, मैं खुद चंडीगढ़ में पढ़ी हूँ, तो ये इस तरह की बातें मत फैलाइए। और बहुत ही ज्यादा हमें प्रेम है, भावना है, कुछ एकमात्र मुट्ठी भर लोगों के जो जो असामाजिक तत्व है उनके कुछ कहने से थोड़ी कुछ बयान दे गया, लेकिन उसके बाद किसानों ने आपकी गाड़ियाँ रोकी। हाँ तो क्या हुआ, अगर उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी तो उसमें से ऐसे भी बहुत लोग थे जो सामने आए और उन्होंने कहा कि क्यों इस लड़की को परेशान किया जा रहा है, तो इसमें कोई बात नहीं है। बस ये होना चाहिए कि जो अच्छे लोग हैं वो बुरे लोगों पे हमेशा हावी रहने चाहिए। सो ये तस्वीरां तुसी देखियां ने कंगना रनौत की इस बयानबाजी बारे की थोड़े विचार ने कमेंट बॉक्स से साझे करो। देखते रहो विजन पंजाब टीवी, हर कदम तुहाडे नाल।